नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ईलेट्स टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित 10वें ईलेट्स नॉलेज एक्सचेंज समिट में। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कृषि और कृषि कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे बीच हैं। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है। हम आपके आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालकर आज के इस कार्यक्रम को दिया है। मैं बिना किसी डिले के हमारे इलेक्ट्स टेक्नो मीडिया के एडिटर इन चीफ, फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर रवि गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करें। डॉक्टर रवि गुप्ता। सर, इस कार्यक्रम में आज जो हमारा समिट हो रहा है, नॉलेज एक्सचेंज और एग्रीकल्चर समिट हो रहा है, यहाँ पर देश और विदेश के जाने माने एक्सपर्ट आज आए हुए हैं। और जो साइंटिफिक एंगल है और आईटी के द्वारा एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या क्या नवाचार हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर परिचर्चा हो रही है। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, आप इस कार्यक्रम में आए। और हम लोग हमारी ओर से रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कृपया अपना मुख्य अतिथि का जो भाषण है आप कृपया दें और हम लोग को ज्ञानवर्धन करें। सर, आपकी ओर। आपका नाम क्या सोच रहे हैं? मैं श्री केसी मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी के स्वागत उद्बोधन में 2 शब्द कहें, और उसके बाद हम माननीय मंत्री से अनुरोध करेंगे कि अपना मुख्य अतिथि उद्बोधन हम लोगों के बीच अपने आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद अर्पित। इट्स एन ऑनर टू होस्ट द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एट द 10th एडिशन ऑफ इलेट्स नॉलेज एक्सचेंज समिट। इट्स अ रियली प्लेजर फॉर अस टू रिसीव हिम हियर एंड टू होस्ट हिम हियर एट दिस कमिटेड प्लेटफॉर्म। दिस प्लेटफॉर्म इज बीइंग ब्रॉडकास्ट लाइव अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एग्रीकल्चर इज वन सच सेक्टर व्हिच हैज द पोटेंशियल टू कैटापुल्ट इंडिया इनटू अ ग्लोबल एग्री पावर हाउस। आई एम श्योर द ऑनरेबल मिनिस्टर वुड बी एबल टू थ्रो मोर लाइट हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस सेक्टर एंड हाउ टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर इकोनॉमी ऑफ इंडिया थ्रू दिस सेक्टर व्हिच एंगेजेस 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय मंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में आप अपने मुख्य आतिथ्य उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपर्ट्स, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के अधिकारीगण, एग्री क्रेडिट सोसाइटी, एग्री एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स और एग्री टेक प्लेयर्स तथा देश भर से लाइव इस कार्यक्रम में ऑडियंस और दर्शकगण जुड़े हुए हैं, जो कि इस कार्यक्रम को हमारे 3D प्लेटफॉर्म अवतार और सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज और ट्विटर पर आपको लाइव सुन रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपने अत्यंत बिजी कार्यक्रम के बीच में से माननीय मंत्री जी ने कुछ पल हमारे आज के 10वें संस्करण, जो इलेक्ट्स नॉलेज एक्सचेंज का 10वां संस्करण, उसके लिए निकाले हैं। पिछले जो 10 संस्करण हुए हैं वो फिजिकल मोड में हमने इन कार्यक्रमों को विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया है, और कोविड क्राइसिस की वजह से जो हमारा ये मौजूदा संस्करण है इसको हम ऑनलाइन माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं I अनुरोध think there is some करूंगा technical glitch. The honorable minister is there, Arpit? कनेक्शन इज लॉस्ट आई थिंक। सो अरविंद, इफ यू कैन जस्ट स्पीक विद द मिनिस्टर्स ऑफिस। ओके, तब तक आई विल रिक्वेस्ट आवर कलीग केसी मिश्रा टू काइंडली ब्रीफ अबाउट दिस सेशन एंड द होल इवेंट ऑफ नॉलेज एक्सचेंज एंड द एग्रीकल्चर समिट। केसी मिश्रा जी, Yeah, प्लीज। thank you, Dr. Ravi Gupta. The ELETS Knowledge Exchange Summit, this is the 10th edition. We have been starting this conference for the past 10 years. The first edition of Knowledge Exchange Summit was held in 2011 in Kovalam in Kerala, and then throughout these 10 years, from moving from Kerala to Goa to Kashmir to different other locations of the country, the last and successful edition of this conference was held in Goa last year in May 2019. This year, because of the COVID pandemic, all of us are forced to go virtual, and this edition is being held online mode, on an online mode. It was a 3-day conference. Today is the last day of this knowledge exchange conference.
Day one was devoted to the governance innovations and the role of technology, how technology can help us in transformation of governance of a 21st century in New India. Day two was dedicated to the smart city governance. And now we are here with the Honorable Minister with us, who will be taking us as a chief guest address for the Day 3 Agricultural Transformation Summit. Welcome back, Honorable Minister. Sir, आपसे अनुरोध हो कि कृपया अपना उद्बोधन शुरू करें. Honorable Minister. मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें. माननीय मंत्री जी. मोबाइल से जोड़ा है. माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें. सभी को नमस्कार. 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 आज मुझे आप सबके बीच में उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है. आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित इलेक्ट टेक्नो मीडिया के सीईओ डॉक्टर रवि गुप्ता जी, केंद्र राज्य सरकारों के अधिकारीगण, कृषि साख समितियों और स्टार्टअप के पदाधिकारी, कृषि विशेषज्ञ, उद्यमी और मीडिया के उपस्थित सभी सज्जनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इलेक्ट टेक्नो मीडिया द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय नॉलेज एक्सचेंज समिट के 10वें संस्करण में शामिल होने का मुझे अवसर मिला है. इलेक्ट टेक्नो मीडिया के इस कार्यक्रम को आप सब ने जिस उद्देश्य के लिए आयोजित किया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसलिए लगातार इस बात पर बल दिया जाता है कि किसान की माली हालत सुधरे, कृषि फायदे में आए और नई पीढ़ी के लोग भी कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित हों. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार की योजनाएं भी आरंभ की गई हैं और जहां आवश्यकता थी नए कानून बनाने और कानूनों को परिवर्तन करने, इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनका लाभ निश्चित रूप से देश भर के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है. देश में कृषि सुधारों तथा कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित विषयों को इस समिट के लिए चुना गया है, जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक हैं. देश में कृषि संबद्ध क्षेत्रों में बीते कुछ समय में नए आयाम जुड़े हैं. मोदी जी ने इन क्षेत्रों को प्राथमिकता पर रखा है और गांव गरीब किसान का विकास यह भारत सरकार का राज्यों के साथ मिलकर प्रमुख लक्ष्य है और इसे पाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं. हमारे गांव व हमारा कृषि क्षेत्र वर्षों से देश की ताकत रहे हैं, जिन्हें मजबूत करने पर सरकार पूरी तरह ध्यान दे रही है. इसी दिशा में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री के 1,00,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल गांव में कृषि क्षेत्र से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा. इस फंड से कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, साइलो, ग्रेडिंग
और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए लोन दिया जाएगा। फंड का उद्देश्य गांव में निजी निवेश को बढ़ावा देना है और कृषि के क्षेत्र को मजबूत करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दृष्टि से उसके विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश के लिए प्रावधान किया गया है। गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो किसान अपनी उपज कुछ समय रोककर बाद में उचित मूल्य पर बेच सकने में सक्षम होंगे। छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट गांव-गांव में खुलने से किसानों को लाभ होगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे और किसान को अपनी फसल का वाजिब दाम मिलना प्रारंभ होगा। एक और महत्वपूर्ण स्कीम, कृषि विभाग के माध्यम से 10,000 नए एफपीओ बनाने के लिए प्रारंभ की गई है। इस पर 5 वर्ष में केंद्र सरकार 6,850 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन नए एफपीओ के माध्यम से छोटे मझोले जो किसान हैं, जिनकी निवेश की शक्ति कम होती है, रकबा छोटा होता है और महंगी फसलों में रिस्क लेने की स्थिति में नहीं होते, उनको संगठित किया जाएगा ताकि उनके खेती बाड़ी के खर्चों में कमी आए, उन्हें आधुनिक तकनीक का लाभ मिले, मार्केटिंग की सुविधा बढ़े और उनकी आय बढ़ाने में ये एफपीओ एक क्रांतिकारी कदम के रूप में आज माना जा रहा है। कृषि से संबद्ध सेक्टर के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए के पैकेजों सहित अन्य उपाय किसानों व कृषि क्षेत्र की समृद्धि के लिए सरकार ने किए हैं, जिन पर अमल प्रारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच के अनुरूप किसानों ने उनको उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, किसानों की आय बढ़ाने एवं उनके जीवन स्तर में आमूलचूल बदलाव लाने के उद्देश्य से नए कृषि कानून बनाए हैं, जिनसे सिर्फ और सिर्फ किसानों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है देश के जीडीपी में कृषि के क्षेत्र का योगदान बढ़े। कोरोना संकट के दौरान भी कृषि के क्षेत्र ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ भी कृषक को इस दौरान मिला है। उसने फसल कटाई का काम पूरा किया, फसल को सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचने में भी सफलता प्रदान प्राप्त की और साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु की और खरीफ की फसलें भी उसने बहुत ही अच्छे प्रकार से गत वर्ष की तुलना में निश्चित रूप से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है। और कोविड संकट के दौरान कृषि के क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। निश्चित रूप से यह देश की बहुत बड़ी ताकत है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण के लिए बीते 6 साल में अधिक समय में जितने कार्य किए हैं, पहले किसी भी सरकार का इस प्रकार की पहल सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हुई। किसानों की माली हालत सुधारने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए उनके बैंक खाते में दी। अभी तक 10,49,00,000 किसानों को लगभग 1,00,00,000 रुपया उनके खातों में भारत सरकार की ओर से भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 सालों में किसानों का प्रीमियम 17,738 करोड़ रुपया भरा गया था, जबकि उनके दावों के भुगतान के रूप में 5 गुना राशि यानी लगभग 87,000 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में उनको प्रदान किए गए हैं। सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी किसानों को फायदा पहुंचा रही है। सरकार के पास शीघ्र किसानों का बड़ा डेटा बैंक होगा,
इसके जरिए मिट्टी की जांच हो, बाढ़ की चेतावनी हो, सैटेलाइट से मिले तस्वीर से लेकर जमीन के राजस्व रिकॉर्ड जैसी सूचनाएं किसानों को घर बैठे मिले, यह भी कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। देश में स्टार्टअप को सरकार बढ़ावा दे रही है, वहीं निजी क्षेत्र में भी एग्री स्टार्टअप्स प्रोडक्शन बढ़ाने, मार्केट लिंकेज में सुधार, सप्लाई चेन बढ़ाने, कृषि व्यवसायों के लिए इनपुट तथा अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन विकसित करके कृषि का विकास किया जा रहा है, जो स्वागत योग्य और कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए जरूरी कदम है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए कृषि शिक्षा का पर्याप्त सुदृढ़ीकरण जरूरी है, जिसके लिए नई शिक्षा नीति में कृषि शिक्षा संबंधी बिंदुओं का पालन किया जा रहा है। उच्च कृषि शिक्षा संस्थान अनुसंधान संस्थानों पर भी कृषि क्षेत्र की प्रगति निर्भर करती है। देश में कृषि शिक्षा के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं, जिस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में सरकार एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर को सतत मंजूरी दे रही है। मेगा फूड पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। भारत सरकार लगातार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि कृषि का क्षेत्र पूरी तरह समृद्ध हो और कृषि के क्षेत्र का योगदान देश के जीडीपी में बढ़े, कृषि का क्षेत्र रोजगार के अवसर सृजित करने के काम आए और नई पहलों और नए कानूनों के माध्यम से निवेश जो है गांव में किसान के खेत पहुंचे, इस बात का सफलतम प्रयत्न भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि 3 दिवसीय नॉलेज एक्सचेंज समिट गहन विचार मंथन से कृषि क्षेत्र को काफी लाभ देने वाली है। समिट की सफलता के लिए मैं आयोजकों को भी और प्रतिभागियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है इस मंथन से अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे, और जब निष्कर्ष पर आप पहुंच जाएं तो निष्कर्ष से भारत सरकार को भी अवगत कराएं, जिससे कि हम लोग भी विचार करके उनको क्रियान्वयन सरकार के माध्यम से किया जा सके, यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकें। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद। मणिमंत्री जी, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके बहुमूल्य और कीमती वक्त के लिए। आपको आश्वस्त करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी इनपुट्स, जो भी फीडबैक्स आएंगे, वो हम भारत सरकार से जरूर साझा करेंगे। हम आभार प्रदर्शन के लिए आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट, टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करना चाहेंगे। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रवि गुप्ता से कि माननीय मंत्री जी का आभार प्रदर्शन करें। कृपया एक वर्चुअल सर्टिफिकेट स्क्रीन पर ले आएं, और जहां पर हम सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये कीमती समय निकाला। बहुत बहुत आभारी हैं हम सर, ये एक वर्चुअली आपको एक एक सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है दे रहे हैं, आभार प्रदर्शन है हमारा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतना ज्ञान वर्धन किया। और अर्पित, ओवर टू यू। मैं 30 सेकंड माननीय मंत्री जी की और चाहूंगा। हम वर्चुअल लॉन्च ई गवर्नेंस मैगजीन, जो कि हमारी मासिक मैगजीन है, जिसमें हमने एग्रीकल्चर में क्या क्या इनोवेशन हो रहे हैं, उसका एक वर्चुअल लॉन्च कराना चाहते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे आत्मनिर्भर कृषि के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस मैगजीन में हमने उन नवाचारों का, उन इनोवेशन का उल्लेख किया है। देश भर के अलग अलग राज्यों से हमने जो केस स्टडीज है, जो सक्सेस स्टोरीज है, वो इसमें पब्लिश की है। मैं अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर रवि गुप्ता इस मैगजीन के बारे में 2 शब्द कहें और माननीय मंत्री जी का आभार प्रदर्शन एक बार पुनः। तो आपकी आपकी उपस्थिति में ये मैगजीन हम लोग वर्चुअली लॉन्च किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार है। और हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में जो जो इनिशिएटिव्स, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके अपने आर्टिकल यहाँ पर जो है छापे हैं, तो आपकी उपस्थिति में इसको हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं। ईगव भारत ही नहीं, एशिया की पहली और अकेली पत्रिका है जो ई गवर्नेंस पे, आईटी का यूज गवर्नेंस में
कैसे हो सकता है, क्या क्या फायदे हैं उसकी, ये हम लोग मैगजीन ने फॉर लास्ट 15 ईयर्स। सो बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ पर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अर्पित एक रिमार्क्स यहाँ पर जो दे दें, क्लोजिंग रिमार्क्स, और आगे का प्रोग्राम बता दें। यह वाकई बहुत गौरवशाली क्षण हमारे लिए था, और हम माननीय मंत्री जी की उपस्थिति से अभिभूत हैं कि देश में जिस प्रकार से कृषि को लेकर चर्चा हो रही है और आंदोलन चल रहे हैं, उस पशुपेश के बीच माननीय मंत्री जी ने अपना कुछ वक्त जो निकाला है, और भारत सरकार के क्या लैंडमार्क रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको हमसे साझा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो आगामी सत्र हैं जिनमें कृषि क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का यूज है उस पर चर्चा होनी है, और एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर और जो एलाइड सेक्टर्स हैं उनमें किस तरह के इनोवेशन हो रहे हैं उन पर चर्चा होनी है। इन सभी सत्रों की एक रिपोर्ट भारत सरकार को, जैसे कि माननीय मंत्री ने कहा, हम प्रस्तुत भी करने वाले हैं। मैं अनुरोध करूंगा मेरे सहयोगी श्री केसी मिश्रा जी से कि आगामी सत्रों की जानकारी देकर इस सत्र के समापन की घोषणा करें। धन्यवाद अर्पित। टुडे इज द लास्ट एंड द कंक्लूडिंग डे ऑफ दिस 3-डे नॉलेज एक्सचेंज समिट। द होल डे विल बी डेलिबरेटिंग अपॉन ए होस्ट ऑफ इश्यूज। Technology and digital technology is one of the areas where there is a lot of potential how to take agricultural economy to the next level. Agar hum log global level pe compete karna hai aur globally ek agricultural powerhouse banna hai, what is the role the technology is going to play, how digital agriculture is going to transform the new India, and the vision of Prime Minister of India to make a new India in the 21st century India, the role of digital and digitization and innovation. We'll be discussing that in the post-lunch session, not post-lunch, but immediately after half an hour. And then in the second half, we'll be discussing the role of horticulture, agriculture, animal husbandry, and other allied sectors of agricultural economy. How and what are the measures which can double the farm income by 2022 as outlined by the Government of India? So we'll be joined by a lot of policymakers from Government of India, from the state governments, some international agencies are also there, and they'll be deliberating for the whole day today on this third edition, the 10th edition of 10th Knowledge Exchange Summit. So this is all. We'll see you soon at 12:30 now for the next panel discussion on digital agriculture and farm mechanization. Thank you so much. Harpit, if you can explain about the registration link and how do people register at this event, and follow us on the social media. Thank you, Dr. Ravi Gupta. So we are live on our own 3D platform called Avatar, and we are also live on Facebook for this session. So you may go to our website, that is ke.eletsonline.com, and you will find a registration link over there. Once you register, you will get a joining link, and you can watch all the sessions live in our 3D platform. And we are going to have very interactive and very knowledgeable sessions throughout the day. And down the line at the ticker, you can see there is the registration link, that is avatar.eletsonline.com/ke. और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि रजिस्टर करके इस कार्यक्रम में जरूर प्रतिभाग करें। और इसी के साथ मैं डॉक्टर रवि गुप्ता का बहुत शुक्रिया और आभार प्रदर्शन करता हूं, साथ ही मेरे सहयोगी केसी मिश्रा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस सत्र में मेरे साथ जुड़े। इस सत्र के समापन की मैं घोषणा करता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।
विश्व में हमने युवाओं की आईटी एनर्जी के माध्यम से अपना रुतबा खड़ा किया है और भारत इसके बाद के लिए गर्व कर सकता है, दुनिया में आप में आंख लगा करके बात कर सकते हैं। और ये मेरा साफ मैं हमेशा कहता आया हूं, IT + IT = IT, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी + इंडियन टैलेंट = इंडिया।